नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर हर शहर हर नगर रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा नमस्कार आप सबको, मैं हूं आपका दोस्त और इस पॉडकास्ट का होस्ट अक्षय। स्वागत है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। तो आइए अपने शो को शुरू करते हैं एकदम ऊर्जा के साथ। ऊर्जा के बिना शो शुरू कर भी नहीं सकते तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऊर्जा, मेरी तरफ से भी शो में वेलकम। वैसे मैं तो ऊर्जा बोले तो एनर्जी की बात कर रहा था, पर हाँ शो तो आपके बिना भी नहीं चल सकता ऊर्जा जी। तो चलिए इजाजत हो तो शुरुआत की जाए। हाँ हाँ शुरू करते हैं, पर सबसे पहले बताते हैं कि आज के पॉडकास्ट में क्या होने वाला है। हाँ तो बताओ ना, आज क्या क्या है हमारी ऑडियंस के लिए खास। तो सबसे पहले बारी है एक कहानी हमारी जुबानी में, एक खास कहानी की, जहाँ आप जानेंगे कि कैसे लोगों ने बायोगैस प्लांट से अपने जीवन को आसान बनाया है। मिलेंगे बातों बातों में आज के एक खास मेहमान से और जानेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में उनसे कुछ खास, और फिर खोलेंगे आज का पिटारा और करेंगे बात पते की, यानी कि आज के पिटारे में है बहुत कुछ। वाकई आज के पिटारे में तो बहुत कुछ है। वैसे अगर आप भी अपने घर में बायोगैस प्लांट या संयंत्र लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे आज के इस पॉडकास्ट से आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी जानकारी मिलने वाली है बायोगैस प्लांट के बारे में। तो फिर देर किस बात की, सीधे चलते हैं कहानी की ओर, हमारे खास सेगमेंट एक कहानी हमारी जुबानी में। एक कहानी हमारी जुबानी। अरे शीला, वो देखो तो जरा, ये सामने वाले सुधीर के आंगन में बड़ी रोशनी हो रही है, कुछ है क्या? पता नहीं जी, बच्चे का जन्मदिन होगा शायद, पहले तो इतनी रोशनी कभी नहीं देखी। तभी तो, मैं तो कहता हूँ कल सुधीर के घर चलते हैं, उसी से पूछ लेंगे कि आखिर माजरा क्या है। सुधीर भैया, ओ सुधीर भैया। अरे रमेश भाई साहब, शीला भाभी आइए आइए। अरे रमेश भैया, शीला भाभी, आप लोग यहाँ? अरे आज कैसे आना हुआ? अरे हमने सोचा अपने पड़ोसियों से हालचाल पूछा जाए। हाँ जी बिल्कुल ठीक किया रमेश भैया आपने, वैसे हम भी आज आप ही के घर आने को सोच रहे थे। हमारे घर? हाँ भाई, कुछ जानकारी देनी थी आपको। जानकारी वानकारी तुम बाद में देना, पहले मुझे ये बताओ कि कई दिनों से तुम्हारे घर के आंगन में बड़ी रोशनी रहती है। पहले तो हमें ये लगा कि कोई खास मौका होगा, फिर जब रोज रोशनी को जगमगाते देखा तो मेरा माथा चकरा गया। तो फिर देरी किस बात की, सीधा चलाया तुमसे पूछने कि आखिर बात क्या है। बिल्कुल ठीक किया भैया आपने, हम भी यही जानकारी देने आपके घर आ रहे थे। वो क्या है ना कि अरे कमला, ये क्या तुम्हारा तो आंगन भी एकदम साफ है। हा? कुछ तो बात है। पहले तो यहाँ जब गाय बंधी रहती थी तो सारा दिन यहाँ गोबर और उसकी बदबू बस यही दिखता था। हाँ। आज तो सब साफ सुथरा है। अरे भगवान, चुप करो तुम, यहाँ सुधीर हमें इतनी जरूरी जानकारी बता रहा है और तुम हो कि बस बीच में कूद पड़ी गोबर को लेकर। अरे नहीं रमेश भाई साहब, शीला दीदी ने बिल्कुल सही पकड़ा है, बड़ी तेज नजर है उनकी। अच्छा। हाँ, इस गोबर की वजह से ही तो आंगन में हर रोज रोशनी रहती है। गोबर से रोशनी? क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो दोनों मिलकर, जरा साफ साफ बताओ। अरे रमेश भैया, वो क्या है ना, आप पीछे जो जगह पड़ी थी ना, उस पर हमने बायोगैस प्लांट लगवा लिया। बायोगैस प्लांट? अरे ये क्या चीज है भाई? बायोगैस प्लांट एक ऐसा मशीनीकरण संयंत्र है जिसमें प्रक्रिया के द्वारा फल सब्जी का कूड़ा गोबर इत्यादि डालकर बायोगैस को बनाया जाता है। ऊर्जा के इस स्रोत से खाना पकाना और बिजली उत्पादन किया जा सकता है, तभी तो इसी से हमारा चूल्हा भी जल रहा है। और आंगन में रोशनी जो आपने देखी थी ना, वो भी उसी से ही है। भाई वाह, ये तो बड़े काम की चीज है। हाँ है तो बड़े काम की चीज, मगर सुधीर भाई साहब एक बात तो बताइए, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? पैसा?
अरे भाभी, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता इसमें। थोड़ा तो हमने जोड़ ही रखा था, और फिर हमें बायोगैस योजना के तहत सरकार से अनुदान के तौर पर वित्तीय सहायता भी मिल गई। जी। और तो और भाभी, ये गैस बाकी ईंधनों से बहुत ज्यादा किफायती है। अच्छा? हाँ, जो आपका पैसा लगाती नहीं बल्कि बचाती है। मगर सुधीर, इस प्लांट को चलाना, इसमें कचरा गोबर वगैरह डालना, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा भाई। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? अरे भैया, जरा भी मुश्किल काम नहीं है। और फिर इसे लगाने का काम तो इंजीनियर साहब ने किया, जो अपनी टीम के साथ यहाँ आए और मेरे घर के पीछे वाले आंगन में इसे बड़ी आसानी से लगा दिया। और हमें भी इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी और ट्रेनिंग भी दी। अच्छा? इतना ही नहीं, समय समय पर इसकी जांच करने व कुछ नई जानकारियाँ साझा करने उनकी टीम हमारे घर आएगी और ट्रेनिंग भी देगी। अरे भाई वाह, ठीक लगे न फिटकरी, रंग आया चोखा। ये कहावत तुम पर खूब जचती है। मैं मान गए कमला और सुधीर भैया आपको, सच बहुत बढ़िया काम किया आपने। अब कचरा और गंदगी भी नहीं, ऊपर से ईंधन और रोशनी भी। नहीं भाभी, इस प्लांट में गैस बनने के बाद जो घोल बचता है ना, उसे भी खेत में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इससे केमिकल खाद का खर्चा भी बचता है और फसल भी अच्छी होती है। यानी बहुत सारी बचत होती है भाभी। मैं तो कहती हूँ जी, अब हम भी लगवा लेते हैं बायोगैस प्लांट। हाँ हाँ, जरूर हम भी लगवाएंगे। तो फिर देर किस बात की भैया, अभी के अभी भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बायोगैस पोर्टल biogas.mnre.gov.in पर आवेदन भरिए और इस योजना का लाभ उठाइए। क्यों भाभी, अब तो हमारे घर के साथ साथ आपके घर में भी रोशनी होगी। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। भाई वाह, पड़ोसी हो तो ऐसा, कमाल कर दिया सुधीर और कमला ने। खुद तो बायोगैस प्लांट लगाया ही, साथ ही सही जानकारी देकर अपने पड़ोसियों को भी बायोगैस प्लांट लगाने के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया। अरे इनकी कहानी सुनकर तो मैं भी बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रेरित हो गई। हाँ तो तुम भी लगवा ही लो बायोगैस प्लांट, और जाकर अपने पड़ोसियों को भी बताना। बिल्कुल लगवा तो लूं, मगर मैं सोच रही हूं कि अभी इसके बारे में सारी जानकारी नहीं है, अगर थोड़ी और जानकारी मिल जाती तो। हाँ, तुम्हारे दिमाग में उठते सवालों की लहरों को मैं खूब पहचानता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए और लिसनर्स आप सब के लिए हमारी इंटरव्यूअर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऑफिस में हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेने के लिए, जो कि बायोगैस प्लांट के बारे में हर जानकारी देंगे और अपने कुछ विशेष अनुभवों के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट बातों बातों में। नमस्कार दोस्तों, सर स्वागत है आपका। तो सर मेरा पहला सवाल है आपसे कि बायोगैस प्लांट क्या होता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल से बताइए कि और कौन इसे लगाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सीताराम मीना, वैज्ञानिक डी, बायोगैस प्रभाग नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। बायोगैस प्लांट वो संरचना है जिसमें मल मूत्र वगैरह डालकर बायोगैस बनाया जाता है, जिसे बायोगैस प्लांट कहते हैं या गोबर गैस प्लांट कहते हैं। जी, और लगा तो ये कोई भी सकता है इस प्लांट को, बस इसके लिए आपके पास लगभग 50 से 60 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए, पशुओं का मलमूत्र गोबर होना चाहिए और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके लिए बस ये ज़रूरतें हैं, गोबर, पानी और 50-60 स्क्वायर फीट ज़मीन। जी जी सर, दूसरा अगर मैं डिटेल में जानना चाहूँ आपसे, क्या मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं कि प्लांट में इस संयंत्र में बायोगैस कैसे बनती है? जी, बायोगैस प्लांट में जो बायोगैस बनती है उसमें एक तरह से जो हम गोबर पानी का मिश्रण डालते हैं, यानी कि उसमें कार्बनिक पदार्थों का एक अवायवीय पाचन होता है, एनारोबिक डाइजेशन, जिसके दौरान एक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मीथेन प्रमुख तौर पर होता है, और उसको हम घरेलू अपशिष्ट गोबर या पशु या किचन का जो वेस्ट निकलता है इनको शामिल कर सकते हैं।
इस गैस के प्रमुख रूप से जो घटक होता है वो मीथेन होता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो गैस बनती है उसमें दहन यानी कि आग लगती है। और इसको बनाने के लिए हमें बेसिकली एक बायोगैस प्लांट, जिसे हम बायोगैस संयंत्र कहते हैं, उसकी संरचना के बारे में बात करनी होगी कि क्या क्या इसके पार्ट घटक होते हैं, और उन सबको मिलाकर बायोगैस प्लांट का निर्माण होता है। अब समय है एक ब्रेक का, उसके बाद फिर मिलते हैं सर आपसे। सवाल जवाब की ये छड़ी यूं ही लगी रहेगी, सवाल अभी बहुत है, उम्मीद आप भी दोबारा तैयार होंगे। जी मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे आपने बात की संरचना के बारे में, क्या स्ट्रक्चर है उसका, उसके बारे में आपने बात की, तो किस प्रकार की इसका स्ट्रक्चर होता है बायोगैस प्लांट का, और उसका प्रोसीजर क्या होगा कि वो प्लांट कैसे बायोगैस बनाएगा, ये हम डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। बायोगैस प्लांट आपने हो सकता है गाँव में आपने देखे हो, इसके लिए एक गुम्बदनुमा एक संरचना होती है, और उसमें हम मतलब गोबर और पानी का जो घोल है उसको डालते हैं पाइप के माध्यम से, तो उसको हम कहते हैं मिक्सिंग टैंक, जिसमें हम गोबर और पानी को मिलाकर एक उनका घोल बनाते हैं, और वो एक पाइप के माध्यम से जिसमें डाइजेशन होता है अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में पाचन होता है, उसको हम एक डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं, और वही बायोगैस का एक प्रमुख हिस्सा होता है, जिसमें उसका जो बेस होता है निचले तले में इस गोबर और पानी के मिश्रण को पाइप से डालते हैं, और उसी डाइजेस्टर के ऊपरी हिस्से को हम कोल बंद कर देते हैं, जिसमें बायोगैस इकट्ठी होती है, क्योंकि बायोगैस हल्की होती है तो अंदर की साइड जो गोल संरचना है उसमें बायोगैस इकट्ठी होती है जी। जिसको हम गैस होल्डर भी कह सकते हैं। तो ये बायोगैस निरंतर प्रक्रिया है जिसमें वो हमेशा बनती रहती है, लेकिन जो गैस होल्डर है यानी कि ऊपर का हिस्सा डाइजेस्टर का जिसमें गैस इकट्ठी होती है, और पाइप के माध्यम से उसको हम गैस के चूल्हे तक लेके जाते हैं। जी सर। जी सर, आपने इस प्रक्रिया के दौरान जैसे कि इन सब टूल्स के नाम लिए, जैसे कि आपने मिक्सिंग टैंक का नाम लिया और आपने और भी काफी टूल्स के नाम किए, तो क्या इस प्रक्रिया के दौरान ये सारे टूल्स अपने आप चलते रहते, अपने आप काम करते रहते, या कोई और भी टूल है जो इस प्रोसीजर में काम आते हैं? एक्चुअली बायोगैस को हम सरल भाषा में बताएं तो जो गोबर है उसको हम ताजा गोबर को पानी में मिक्स करके, मिक्सिंग टैंक होता है जिसमें हम गोबर और पानी बराबर मात्रा में डालते हैं, मिक्स करके पाइप से वो डाइजेस्टर में जाता है, गुम्बदनुमा जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें इनलेट एक मतलब मिक्सिंग टैंक और डाइजेस्टर दोनों को कनेक्ट कर जो जोड़ कर रखता है वो होता है एक इनलेट पाइप, और इससे वो डाइजेस्टर में जाता है, और जो पानी और गोबर का जो घोल है उस डाइजेस्टर में लगभग 40 से 50 दिन तक स्थिर रहता है, और इसी दौरान उसमें बायोगैस का निर्माण होता है जो उसके अंदरूनी भाग में यानी कि गैस होल्डर में इकट्ठा होता जाता है। और इसके अलावा जो हमने घोल डाइजेस्टर में डाला है, जरूरी है उसको निकलने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके लिए जो आउटलेट एक आउटलेट चैम्बर होता है उसमें वो डाइजेस्ट होके स्वतः ही वो घोल इकट्ठा होता रहता है। इस टैंक में मतलब जो बायोगैस सिलरी है वो निकलकर इकट्ठी होती रहती है। जी जी सर, आपने मतलब कितनी ज्यादा तकनीकी जानकारी शेयर की, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये। अब समय है एक ब्रेक का, उसके बाद फिर मिलते हैं सर आपसे। जी हम ये तो है जीवन के संग। तो सर, क्या अगर मैं बात करें इस चीज के बारे में कि बायोगैस प्लांट के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो क्या ये सिर्फ एक ही तरीके के बायोगैस प्लांट होते हैं? सही पूछा आपने। एक्चुअली बायोगैस की जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से, या जितना आपके पास में गोबर पानी अवेलेबल उपलब्ध है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बायोगैस के तीन तरह के प्रकार होते हैं, एक छोटा, मध्यम और वृहद लार्ज साइज। छोटा बायोगैस प्लांट मैं ये कहूँगा कि किसानों के लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि उनको अपने घरेलू खाना बनाने के लिए कम बायोगैस की जरूरत होती है, तो यानी कि एक घन क्यूबिक से बायोगैस शुरू होता है और एक घन क्यूबिक मीटर से 25 घन मीटर तक का जो बायोगैस है उसको हम छोटा बायोगैस स्मॉल साइज बायोगैस कह सकते हैं। उस 25 क्यूबिक से ऊपर वाले और 2500 क्यूबिक बायोगैस जनरेशन प्रतिदिन उसको मीडियम साइज मध्यम आकार का बायोगैस, और 2500 क्यूबिक मीटर बायोगैस पर डे से ऊपर वाले जो साइज है उसको हम लार्ज साइज यानी कि बड़े आकार का बायोगैस प्लांट कह सकते हैं।
तो इस तरह से ये तीन तरह की श्रेणी होती है बायोगैस की, और जो जरूरत या कच्चा पदार्थ उपलब्ध है उसके आधार पर इनका चयन किया जाता है, बायोगैस का प्लांट कौन सा बायोगैस लगाना है, तो इस तरह से ये किसान को अपना चुनाव करना होता है इनमें से तीनों में से। तो मान लीजिए सर कि मुझे ये प्लांट लगवाना है एग्जांपल के तौर पे, तो क्या मुझे आप स्टेप टू स्टेप समझा सकते हैं कि ये कैसे लगाया जाएगा और किस तरीके से मुझे सरकारी अनुदान या सब्सिडी मिलेगी? जी बहुत ही अच्छा सवाल किया कि बायोगैस को हम किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए मंत्रालय ने बायोगैस का एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, उस पर आप है जो अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, अपना नाम पता मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और घर में कितने परिवार सदस्य हैं या कितने गाय भैंस रखते हैं, उसके आधार पे ये वह छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनके आधार पे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो मंत्रालय ने इसको बहुत ही सुगमता से बायोगैस उपयोग के लिए ये पोर्टल तैयार किया गया है, आसानी से इसे आप भर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी जानकारी है कि कितना अनुदान मिलेगा, किस साइज का आपको बायोगैस का चयन करना है, ये सारी जानकारियाँ इनसे जुड़े हुए सवाल वहाँ पे हमने उन सबको हमने इकट्ठा करके एक प्रश्नोत्तरी तैयार किया है, उनसे भी आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और इसमें जैसा कि हम कह सकते हैं कि छोटे बायोगैस का जो वित्तीय अनुदान राशि है वो 1 घन से 25 घन मीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले प्लांट है, उनके लिए हमने 9,800 प्रति प्लांट से लेके 70,400 रुपए प्रति प्लांट तक का आर्थिक अनुदान का एक तरह से व्यवस्था इसमें है। और अगर आपके पास में गोबर ज्यादा है तो आप बड़े मीडियम साइज के मध्यम आकार के प्लांट है उनका चयन कर सकते हैं, और उनसे ना सिर्फ आप जो खाना बनाने के, इसके अलावा आप उससे बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, या उनके तापीय जो थर्मल एप्लीकेशन है जैसे कि मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर में दूध को गर्म करना है ठंडा करना है, इस तरह के जो और एप्लीकेशन है उनमें आपको 25 क्यूबिक मीटर बायोगैस से लेकर 2,500 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्रतिदिन की क्षमता वाले जो मीडियम साइज के प्लांट है उनके लिए हमने 35,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए प्रति किलोवाट बिजली उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा गया है। और अगर बायोगैस इन्हीं जो मध्यम आकार के बायोगैस है इनसे अगर आप तापीय थर्मल एप्लीकेशन काम में लेते हैं तो सब्सिडी उसका थोड़ा कम है, 17,500 रुपए से लेके 22,500 रुपए प्रति प्लांट के तौर पर। इस अनुदान के अलावा जैसे गौशाला है या जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं या जो द्वीप हैं आइसलैंड है उनके लिए, और साथ में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी हैं उनके लिए 20% अनुदान अतिरिक्त इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से बायोगैस के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बायोगैस प्रोग्राम में ये अनुदान का प्रावधान दिया गया है। तो मैं ये बता रहा था कि बायोगैस जो छोटे आकार के मध्यम आकार के बायोगैस प्लांट है इनको अपनाने के लिए बायोगैस लाभार्थी को मंत्रालय के बायोगैस पोर्टल जिसका वेब लिंक है biogas.mnre.gov.in, इस पर बहुत ही सरल और सटीकता से हमने इसका बनाया हुआ है, लाभार्थी आसानी से अपना आवेदन कर सकता है और उसके जो भी अगर अतिरिक्त हेल्प या सहायता चाहिए तो उसमें हेल्प डेस्क भी दिया है जिसमें टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी भी मेंशन है मंत्रालय के और स्टेट के, तो वहां पे ये अप्लाई कर सकते हैं। जी जी सर, काफी फाइनेंशियल हेल्प या सब्सिडी के तौर पर एक अनुदान के तौर पर जो सरकार की तरफ से दी जा रही है आज बायोगैस के लिए। अब समय है एक ब्रेक का, उसके बाद फिर मिलते हैं सर आपसे। जी अक्षय ऊर्जा और हम ये तो है जीवन के संग। तो इतनी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन जान के मैं ये तो जान गई कि बायोगैस प्लांट कैसे लगाना चाहिए। अब अगर मैं एग्जैक्टली आपसे डिटेल में ये पूछूं कि बायोगैस प्लांट लगाने से जो बायोगैस होगी उससे क्या फायदे होंगे? मोटे तौर पे मैं जैसे बताऊं कि सबसे पहले तो ये है कि जो बायोगैस है उससे आपका मीथेन यानी ग्रीन हाउस गैस जिनको हम कहते हैं उनका उत्सर्जन को आप रोक सकते हैं जो हमारे पर्यावरण का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री या उद्योग है या हमारी रसोई है उनसे निकलने वाले कचरे को कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े शहरों में कचरे के ढेर लगे हैं, ये इन पर लगाम लग सकती है। इसके साथ में बायोगैस संयंत्र से जो निकलने वाला पाचित घोल है वो हमारी मिट्टी के लिए एक वरदान है, एक अमृत है जिससे उर्वरकता लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। सॉयल हेल्थ बहुत ही जरूरी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सॉयल हेल्थ को बहुत ही
जरूरी है बनाए रखना, तो उसके लिए बायोगैस एक कारगर उपाय है। इसके साथ में जो बायोगैस संयंत्र का उपयोग करते हैं तो आसपास में गंध दुर्गंध वो नहीं फैलती, मक्खी मच्छर नहीं फैलेंगे, और साथ में आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, उनके उपयोग को कम किया जा सकता है, LPG के उपयोग को कम किया जा सकता है और हमारी आय है उसको बढ़ा सकते हैं। जी जी सर, जैसे कि आपने कहा कि कितने सारे फायदे हैं बायोगैस को लेकर, तो जिस तरीके से हम इन बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी या किसी एक व्यक्ति का बदलाव, किसी समुदाय का बदलाव जो बायोगैस प्लांट को लगाने के बाद आपकी नज़र में हो? जी जी, बायोगैस का मैं 2 साल पहले केरल में देखा था। एक वृद्धा अपने घर में बायोगैस प्लांट उन्होंने लगा रखा था और वो लगभग 40 साल से चलता आ रहा है बायोगैस प्लांट। तो उससे एक गाय पालती है, गाय के गोबर से वो बायोगैस प्लांट में फीड करती है और उससे अपना खाना पकाती है। साथ में जो बायोगैस का जो डाइजेस्टरी सिलरी निकलती है उससे अपने जो गार्डन में चीकू के पौधे, पपीता के पौधे लगा रखे हैं, तो उनमें उर्वरक के तौर पे बिना किसी रासायनिक खाद के वो अपनी बायोगैस प्लांट के जो घोल है उसको इस्तेमाल करती है। तो उनसे इतने ताजा और अच्छे स्वादिष्ट फल हमने खाए और देखा कि वो एक समुचित एक इंटीग्रेटेड मॉडल के तौर पे, मतलब इतना अच्छा एक आत्मनिर्भर उदाहरण के तौर पे हमने देखा। और हमारे मंत्रालय में एक NIC के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने घर में भी बायोगैस लगा रखा है। केरल से हैं अब्राहम सर, जिनके यहाँ 40 साल से बायोगैस प्लांट लग रहा है। वो कह रहा है कि मेरे बचपन से चल रहा है। तो कितना मतलब खुशी हुई कि उन्होंने पिछले 40 साल से बायोगैस प्लांट को अपने परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बना रखा है और उन्होंने कभी LPG सिलेंडर काम में नहीं लिया। तो इस तरह का बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि बायोगैस प्लांट किस तरह से किसान की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और उसको वो लगातार इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ना सिर्फ आय का एक साधन है बल्कि वो अपनी राष्ट्रीय विकास में योगदान दे रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बायोगैस आत्मनिर्भरता की एक सफलता की कुंजी है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। शायद यही है भारत की नई कहानी जो आत्मनिर्भरता के जरिए लिखी जा रही है। सर, मेरा अभी एक और सवाल है। जैसे फिल्टरेशन के प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी, तो CBG क्या है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए, इसके बारे में समझाइए। जैसा कि मैं बता रहा था कि बायोगैस को जब हम प्यूरिफाई करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, तो उससे कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है। आम भाषा में हमें इसे CBG कहते हैं, मतलब उसमें हम लगभग 85% से ज्यादा मीथेन होना चाहिए और उसको हम सीधा हमारे जो यातायात के साधन है, वाहन है, उनमें ईंधन के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच सर आपका इतना सारा नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है दोबारा आपसे मिलते रहे। अवश्य। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। उम्मीद है हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से आपको बायोगैस प्लांट से जुड़ी सभी जानकारियां मिल गई होंगी। क्यों ऊर्जा जी, अब तो सब जानकारी मिल गई ना? हाँ हाँ, अब तो सब कुछ पता चल ही गया और बायोगैस प्लांट लगाने की मेरी इच्छा और मजबूत हो गई है। तो इसी बात पर आओ एक कहानी सुनते हैं हमारे खास सेगमेंट एक कहानी हमारी जुबानी। एक कहानी हमारी जुबानी। आप सभी लोगों का हमारे जिला मुख्यालय में स्वागत है। आज हमारे जिले के सभी ग्राम प्रधान यहाँ आए हैं और एक गांव के प्रधान को आज हमारे प्रधान साहब की तरफ से एक खास सम्मान दिया जाएगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तारापुर गांव के प्रधान संत राम जी का। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद। अरे संतराम, हमें क्यों धन्यवाद दे रहे हो, ये सब तो आपके काम और प्रयासों की वजह से है। एक बार बाकी प्रधानों को भी अपनी कहानी सुनाइए और प्रेरित कीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो बात ये है जी कि मेरा गांव जो है ना, पहले कुछ खास नहीं था। चारों तरफ गंदगी, कचरा, चूल्हे में फूंक मारती औरतें, बस यही सब था जी गांव में। तो फिर क्या किया तुमने? वो क्या है जी कि हमारे गांव में ना एक बार शहर से कुछ लोग आए। अच्छा। हाँ जी, अब गांव की गंदगी देख कर ना उन्होंने हमें खूब सुनाया। बस जी, बात ठक से दिल को लग गई और मैंने कसम खा ली कि अपने गाँव की तस्वीर बदल के ही दम लूंगा। अरे भाई, ये समस्या तो हमारे गाँव में भी है।
पर तुमने क्या उपाय किया, थोड़ा जल्दी बताओ। अजी हमने तो जी अपने गांव में बायोगैस प्लांट लगवा दिया। बायोगैस प्लांट, ये क्या होता है? ये जी एक संयंत्र होता है, इसमें ना जानवरों का मल मूत्र और सब्जी वगैरह का कचरा, मुर्गियों का बचा खाना वगैरह डालो तो एक गैस बनती है। ओ हाँ जी, इसको कहते हैं बायोगैस। अब इस गैस से घरों के चूल्हे भी जल सकते हैं और रोशनी भी हो सकती है। पर ये बायोगैस तो महंगी पड़ती होगी। ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ये गैस LPG और बिजली दोनों से सस्ती है। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लांट लगाने के लिए तुमने क्या किया और इतना पैसा कहाँ से आया? जी पैसा ज्यादा नहीं लगता जी, कुछ तो गांव प्रशासन की तरफ से लगाया गया और फिर प्लांट लगते ही ना जी सरकारी अनुदान भी मिल गया। अरे वाह वाह। और इस प्लांट को लगाने से क्या फायदा हुआ? देखो जी, आज हमारे गांव में ना जो यहाँ वहाँ गंदगी और जानवरों का मल मूत्र रहता था ना, वो नहीं दिखता। मतलब पहला फायदा स्वच्छता। दूसरा फायदा, इस प्लांट में बनी बायोगैस हमारे गांव की सड़क पर जो लैंप लगे हैं ना, उनको जलाने के काम आती है, तो अब हमारी सड़क रहती है रोशन। अच्छा, और तीसरा फायदा? तीसरा फायदा जी, लोगों को खाना पकाने के लिए बायोगैस के रूप में सस्ता और सुरक्षित ईंधन मिल रहा है। और चौथा फायदा, प्लांट से निकलने वाला पाचित घोल गांव के किसान खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जी। अच्छा। इससे फसल भी बेहतर होती है और केमिकल खाद का खर्च भी कम होता है। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे फायदे। हाँ जी, ये तो फिर बड़े काम की चीज है भाई, हमें भी अपने गांव में लगवाना चाहिए। पर इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं जी, बस बायोगैस पोर्टल biogas.mnre.gov.in पर जाकर आवेदन भरिए। अच्छा। विभाग की तरफ से एक टीम आपके गांव पहुंचेगी और बड़ी आसानी से बायोगैस प्लांट को लगा देगी। अरे वाह 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 संतराम, हम आज ही इसके लिए आवेदन भर देते हैं। प्रधान जी, मैं तो ये कहूँगा, हमारे गांव की तस्वीर तो बदल गई, अब आपकी बारी। बिल्कुल। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारी इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। भाई वाह, बहुत खूब, संतराम की कहानी ने फिर एक बार बायोगैस प्लांट का कमाल साबित कर दिखाया। तो चलिए एक बार फिर एक्सपर्ट से कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं। तो सर, जैसे आपने मुझे बता दिया कि CBG क्या है और हम LPG के भी बारे में हम बात कर रहे थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कि कौन बेहतर है? मैं जानना चाहेंगे कि बायोगैस LPG से कैसे बेहतर है। LPG एक आयातित एक गैस है, जबकि बायोगैस घर पे तैयार किया हुआ एक हमारा साधन है। तो निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि LPG को इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जबकि बायोगैस, इसके अनेकों अनेक फायदे हैं। तो बायोगैस ज्यादा उपयोगी है, लाभकारी है और स्वदेशी है। सर, जैसे कि आपने मुझे बहुत ही अप्रत्यक्ष तौर से इनडायरेक्टली वे में बताया कि किस तरीके से बायोगैस बेहतर है कहीं ना कहीं LPG से, तो अगर हम बात कर रहे थे विकास के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, तो क्या इस बायोगैस प्लांट से आर्थिक विकास होगा? अगर हाँ तो कैसे? पहली बात तो यह है मैम कि बायोगैस LPG की तुलना में बेहद सस्ती है। दूसरा, इसे आप लोकली तैयार कर सकते हैं और ये आय का साधन भी बन सकती है। तीसरी बात ये है कि गैस के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, मतलब पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित है, सेफ है, अनुकूलित है। और बायोगैस संयंत्र लगाने से समुदाय का आर्थिक विकास होगा, ये भी बहुत ही सटीकता से उदाहरण के साथ में मैं कह सकता हूँ, विश्वास के साथ में, कि बायोगैस केमिकल खाद वगैरह का खर्च को कम कर सकती है। और जैसा कि हमने चर्चा की है, मगर बायोगैस और इससे निकलने वाले घोल का जैविक खाद है, उसको भी बेचा जा सकता है, तो इससे कमाई के असीमित संभावनाएं हैं और किसान को एक तरह से खुशहाली आ सकती है। तो जो इस घोल की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि इसका हम खेतों में यूज कर सकते हैं, तो क्या ये फसल की मात्रा को भी दोगुना करता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला जो पाचित घोल है, वो उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो निश्चित तौर पर ये हमारी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और जिससे जो फसल की जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी होती है। और ये विभिन्न प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ है कि बायोगैस से निकलने वाले पाचित घोल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसलों में जो वृद्धि होती है वो काफी संतोषजनक पाई गई है। थैंक यू सो मच सर, आपका इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।
अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सर जिस तरीके से आपने वृद्धि की बात कर रहे हैं तो एमडैम श्योर कहीं ना कहीं इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही होगी, तो क्या बायोगैस भारत में किस मात्रा में बनाई जा रही है और अब तक कितने राज्य हैं जहां तक बायोगैस ने कवर किया, बायोगैस के प्लांट ने इन राज्यों को कवर किया? जी, बायोगैस योजना नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 1981 से पूरे देश में क्रियान्वित हो रहा है और हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां बायोगैस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर संख्या या डाटा की बात करें तो देश भर में लगभग 50 लाख बायोगैस प्लांट अभी तक लग चुके हैं भारत सरकार के इस नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से, और सरकार बायोगैस को लेकर काफ़ी प्रयासरत है और छोटे, मध्यम और लार्ज यानी कि बड़े बायोगैस प्लांट के लिए अलग अलग योजनाएं क्रियान्वित हैं और उनमें सारे देश और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजनाएं जारी हैं। तो क्या सर, अगर हम बात करें भविष्य में सरकार कैसे देख रही है बायोगैस प्लांट को लेकर, क्या कोई और नई योजनाएं हैं जिसमें ऐड ऑन होने वाली है? जी, बायोगैस के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अलावा जिस तरह से गोवर्धन परियोजना है, सतत परियोजना है, बायोगैस आजकल महात्मा गांधी नरेगा योजना में भी शामिल किया जा रहा है, तो बायोगैस को लेकर सरकार बहुत ही सचेत है, जागृत है और इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि बायोगैस के लिए अनेकों परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं और चूंकि इसके फायदों को ध्यान मद्देनजर रखते हुए सरकार और जनता इसमें बहुत प्रयासरत है, जागरूकता है और इसकी जरूरत है, चाहे वो जैविक खेती को लेकर हो, चाहे वो नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर हो, सतत विकास को लेकर हो, किसान की आय की बढ़ोतरी को लेकर हो या पर्यावरण को लेकर हो, इन सारी समस्याओं का हल हमारे बायोगैस के पास है, बायोगैस के अपनाने में है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बायोगैस को बहुत ही बढ़ोतरी और एक प्रगति का सूचक चिन्ह के तौर पर देखा जाएगा, ये मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका इतनी सारी नॉलेज, आपकी इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है दोबारा आपसे मिलते रहेंगे। अवश्य। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। हमारे एक्सपर्ट ने तो हमें बहुत सी जरूरी और काम की बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोता गणों तक ये सारी जानकारियाँ पहुँच गई होंगी, जिनका इस्तेमाल करके वे भी बायोगैस प्लांट बड़ी आसानी से लगवा सकते हैं। तो चलिए एक बात हम भी बताते हैं, हमारे अगले सेगमेंट बात पति की। बात पति की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोगैस कंज्यूमर बन गया है। देश में 50 लाख से ज्यादा बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और महाराष्ट्र में बायोगैस प्लांट की संख्या सबसे ज्यादा है और कर्नाटक लगभग 513,000 संयंत्रों के साथ दूसरे स्थान पर है। अरे वाह, वैसे एक कमाल की बात और है, भारत में बायोगैस बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। सरकार इस क्षेत्र में ध्यान दे रही है और बायोगैस परियोजना के माध्यम से देश में बायोगैस का निर्माण और प्रयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट भी तो भारत में ही लगा है। बिल्कुल, नवीकरणीय ऊर्जा और बायोगैस के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी विश्वास के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम बायोगैस की यात्रा में आपको भी शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। सुनना न भूलिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज अक्षय ऊर्जा और हम के नेक्स्ट एपिसोड को। बाय बाय। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा।